वालेकुम। आज हम चटपटी सी कीमा बिरयानी तैयार करेंगे। कीमा बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 kg कीमा लिया है और तकरीबन 1.25 किलो चावल है, जिसको हम नॉर्मल जो बिरयानी के लिए हम बॉईल करते हैं, कन्नी छोड़ के वैसे ही हम बॉईल कर लेंगे। कीमा बिरयानी बनाने का जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आसान तरीके से मुराद इसको खाना आसान होता है, इसमें हड्डी वड्डी नहीं होती। और ख़ासतौर पर वो लोग जो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं, वो अगर कीमे की बिरयानी लेके जाएं तो उनको ये होता है कि कचरा, जिसे हड्डी और वो चीज़ें निकलती हैं, और तो वो कम निकलने का होता है, तो वो आसानी से आप रस्ते में ये चीज़ें खा सकते हैं। उसके लिए तकरीबन 4 दरमियानी प्याज थी, उसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। और 1 कप भर के हम दही का लेंगे, और दही मेरी थोड़ी सी खट्टी दही ली है मैंने, ताकि उसमें बिरयानी में अच्छी सी खटास आती है। 5 बड़े टमाटर थे, उसको भी मैंने स्लाइसिस में इसलिए कट कर लिया है, नॉर्मल रफली कट किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मसालों में इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि बॉइलिंग के वक्त भी हमने नमक डाला है चावलों के अंदर, और ये बिरयानी का पैकेट मैंने 1 लिया है, तो इसके अंदर भी नमक होगा, तो इसलिए नमक हमने कम रखना है। आप चखने के बाद उसमें और डाल सकते हैं। साथ मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून ये अदरक का पाउडर है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं जितनी भी प्याज है वो डाल के हमने लाइट ब्राउन सी करनी है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करनी है, या कच्ची पक्की थोड़ी सी ज़्यादा, जिसे कच्ची पक्की कहते हैं, उतनी हमने करनी है। प्याज देखें, हमने बस इतनी बादामी करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अब हमने इसमें कीमा ऐड करना है, और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के कीमे को भी इसके साथ अच्छा सा हमने भून लेना है। साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला जाएगा, और इसको हमने इतनी देर भूनना है कि ये इसका कलर बिल्कुल वाइटनेस आ जाए, कीमा भून जाए, इसका जो पानी है कीमे का वो भी खुश्क हो जाए। अब कीमा भून चुका है हमारा, हम तमाम ड्राई मसाले जार इसमें टमाटर, दही। अच्छा, मैं बताती चलूँ, मेरे पास बीफ का मोटी मशीन का कीमा है, अगर बारीक मशीन का हो तो डेगची में ही आपके आराम से वो बन जाएगा, लेकिन मोटी मशीन का है। मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ, तो 10 मिनट के लिए मैं कुकर बंद करूँगी। साथ ही इसमें हमने टमाटर भी ऐड कर देने हैं, वो कुकर जब बंद करूँगी तो ये नरम हो जाएंगे, उसके बाद हम भूनेंगे। दही भी ऐड कर लेनी है, बस दही टमाटर के पानी में ही ये कीमा गल जाएगा, हम पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें। 10 मिनट के लिए कुकर बंद कर रही हूँ, बस 10 मिनट के लिए कुकर बंद करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ये टमाटर भी नरम हो जाएंगे, और उसको हम टमाटरों को के साथ इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और भून लेंगे। जी, 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है और इसको अच्छा सा मैंने भून भी लिया है। देखें, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि कीमा तो गल चुका होता है, और इसको हम कीमे को ऑलरेडी पहले ही बहुत अच्छा सा हम भून चुके हैं। अच्छा, ये मैंने बताती चलूँ कि ये मेरे पास बीफ का कीमा है, आप मटन का भी ले सकती हैं, और बिरयानी के लिए मोटी मशीन का कीमा ही अच्छा लगता है, बारीक मशीन का अच्छा नहीं लगता। तो मोटी मशीन का बीफ और मटन आप ले सकते हैं, अगर चिकन का ले रहे हो तो उसको हाथ का कीमा लें उसके लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कीमा हमारा भुन चुका है, अब थोड़ी सी तय लगानी है। हमने चावल लिए हैं, आधे चावल तय में डाल चुके हैं, टमाटर मैंने बारीक बारीक काटे हैं, आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकती हैं, जैसे मर्जी आपको पसंद हो वैसे। और ये भी बताती चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सफ़र के लिए ये बिरयानी बहुत अच्छी होती है, तो आप अगर सफ़र गर्मियों में कर रहे हैं तो दही का इस्तेमाल डबल कर दें कीमे के अंदर, और टमाटर उस वक्त ख़त्म कर दें, बस टमाटर इस वक्त डालें, क्योंकि टमाटर जो है सबसे पहले सारा खाना जो होता है उसको ख़राब करता है, टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए खाना भी ख़राब हो जाता है। तो साथ हमने ये सबसे पहले टमाटर हमने इसमें तय में लगा दिए हैं,
तय में चीजें भी आप अपनी जो अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने गोल गोल काट लिया है। नींबू लिए हैं वो भी क्यूब्स में काट लिए हैं, दो छोटे नींबू थे वो डाल दूंगी। बस नींबू, हरी मिर्चें, टमाटर लगाने के बाद जो कीमा हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज है मेरे पास, जर्दे का रंग मैंने रखा हुआ है, जैसे हम बिरयानी में रखते हैं लगाते हैं वैसे ही सेम इस बिरयानी को भी तैयार करेंगे। बस ऊपर से जो बकिया चावल थे हमारे, हाफ हमने नीचे डाले हैं हाफ ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वो रखी हुई है, वो ऊपर से डालूंगी। ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन प्याज डालेंगे। जर्दे का रंग वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस इसको दम पे 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। और 10 मिनट के बाद ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है। जी नाजरीन, कीमा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।